नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ मुशर्रफ राणा। कुछ पत्रकार फर्जी न्यूज चलाकर प्रशासन को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। गो तस्कर और गोवंश को काटने को लेकर फर्जी न्यूज चलाई जा रही है। आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद शामली के गांव अजीजपुर और बल्ला मजरा का है, जहां रमजानी नाम के शख्स ने पड़ोस के ही गाँव के रहने वाले कदीर नाम के शख्स को अपना बछड़ा बुग्गी में चलाने के लिए बेचा था, लेकिन एक पत्रकार ने डायल 100 को सूचना देकर रमजानी को गो तस्कर बताकर गिरफ्तार करवा दिया और फर्जी न्यूज चलवा दी। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए चौकी इंचार्ज बीनू सिंह फोन लाइन पर हमसे जुड़ चुके हैं। सर, कुछ पत्रकारों की वजह से आम इंसान देखते ही देखते अपराधी बन जाता है, क्या कहेंगे आप सर? देखिए, ऐसी फर्जी न्यूज पे पुलिस जो है कोई कार्रवाई नहीं करती है जी। और पुलिस का जैसे इसने सूचना दी मुझे कि ऐसे ऐसे वो वंश जो है ये ले जाया जा रहा है काटने के लिए, तो मैंने तत्परता से पुलिस को मौके पर भेजा था और पुलिस को मौके पर भेज कर फिर इसकी गहनता से जांच की। जांच में पाया गया कि रमजानी जो अजीतपुर का रहने वाला है, ये इसके इसके पास 5 साल का एक बछड़ा था जो मारने लगा था। साथ ही साथ इसके साथ पास में एक भैंसा था जो बुग्गी में चलने के लिए तैयार हो चुका था, क्योंकि वो आने जाने वाले व्यक्ति को मारने लगा था। इसने गांव बल्ला माजरा के कदीर का जो लड़का है काला, उस वो गांव भैंसों को बेचने और बकरों को बेचने और खरीदने का काम करता है, वो उससे संपर्क स्थापित हुआ और 5,000 रुपए में इसका सौदा कदीर के लड़के काले को कर दिया, जिसे ये छोड़ने के लिए वहां गया था। उधर से अपना भैंस, चूंकि बुग्गी खाली रहती तो भैंसे को बुग्गी में बांध कर उसे लेके आ रहा था। तो रास्ते में एक पत्रकार महोदय मिले जो इसका बताना था, जिन्होंने मुझे सूचना दी थी, उन्होंने इस पर दबाव बनाया कि तुम काटने के लिए ले जा रहे हो जी। तो उस संबंध में मैंने फिर गांव में जाकर तहकीकात की। कदीर के खिलाफ ना ही कोई पूर्व में कोई आपराधिक इतिहास दर्ज है, ना कदीर के लड़के का, और इस प्रकार की उसकी सूचना मुझे भी आज तक नहीं मिली कि उसने कोई ऐसा कच्ची वट्टी का कोई काम करता। मौके पर जब मैं गया तो वहां बछड़ा घास खाता हुआ मिला। जी, ऐसे पत्रकारों पर पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं करती? पुलिस कार्रवाई करेगी, पुष्टि हो रही है, पुष्टि करने के बाद पुलिस कार्रवाई करेगी। सर, क्या आपको लगता है क्या कुछ पत्रकार पुलिस को दबाने की कोशिश करते हैं? हाँ, नहीं, लेकिन पुलिस दबाव में किसी के काम नहीं करती, जो सच होता है उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। थोड़ा सा अपने निजी स्वार्थ के लिए ये लोग काम कर रहे हैं, जबकि पत्रकारिता का जो पेशा है बड़ा ही अच्छा और निष्पक्ष है, आम लोगों की बात उठाना चाहिए, ताकि आम लोगों को परेशान करना चाहिए। बीनू जी, अब इस मामले पे आपकी ओर से क्या कुछ कार्रवाई की गई है? मैं ये पूरा प्रकरण वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में है, जैसे ही उनसे कुछ दिशा निर्देश मिलेगा मैं कार्रवाई करूंगा। सर, आपके अनुसार क्या रमजानी को इंसाफ मिलेगा और ऐसा करने वाले पत्रकारों पर नकेल कसी जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, रमजानी को इंसाफ मिलेगा। क्या इन पत्रकारों के ऊपर भी नकेल कसी जाएगी जो फर्जी न्यूज चलाकर? बिल्कुल कसी जाएगी, इनके इनके इनकी जांच कराई जाएगी, जांच कराने के उपरांत इनका कार्रवाई की जाएगी। शुक्रिया सर आपका हमसे जुड़ने और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आपको बता दें कि मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, और वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि मीडिया ही छोटे से छोटी बातों को प्रशासन से लेकर सरकार तक पहुंचाती है। लेकिन आज के समय की बात की जाए तो कुछ पत्रकार ऐसे हो चले हैं जो अपने फायदे के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। फिलहाल अब देखना ये होगा कि क्या पुलिस रमजानी को इंसाफ दिला पाएगी, आम इंसानों को ऐसे अपराधी साबित करने पर तुले पत्रकारों पर कार्रवाई करेगी। क्या नाम तुम्हारा? अदीर। सनोव? सगीर। कहाँ के रहने वाले हो? बल्ला मजरा। अच्छा, तुमने जो कल गुच्छा ग्रामीणों का आरोप है कि बछड़ा लिया है, क्या नाम का लिया है? अजी घास फूस ले जागे। किससे लिया? रमजानी से। कहाँ का है ये? अजीजपुर का। अजीजपुर का जी। लेकिन कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि तुमने काटने के लिए लिया उसको। जी नहीं नहीं नहीं। कहाँ है बछड़ा? बछड़ा रही है जी। तुम्हारे पास ही? जी। अच्छा, कितने में लिया है? 5100 में। 5100 रुपये में लिया है। कौन लाया था? वही ला था जी, बुग्गी में जोड़ के हमने कहा नहीं हूँ, मगर भाई तू वहीं छोड़ का, कभी कोई हमें रस्ते में बिरान शिरान कर दे पुलिस वाला। अच्छा, आका अच्छा जी, मैं अपना छोड़ का रहा। तो चलाने का नाम कर लिया है तुम्हारे? जी, चलाने का नाम कर लिया जी। अच्छा, वो बता रहे हैं कि काटने के लिए हम ना जी ना जी चलाने के वास्ते लिया जी। तो बुग्गी में चलाने के लिए घास के लिए? जी जी, घास के लिए लिया। क्या नाम है तुम्हारा? पिताजी का नाम? जिलेदार। कहाँ के रहने वाले हो?
क्या काम करते हो? खेती भाई जी। कितनी खेती है तुम्हारे पास? खेती कुछ तो जी 10 बीघे तो अपनी घर की है, कुछ ठेके पे बोल लूंगे। अच्छा कुछ ठेके बोलो। आज तुम्हारे ऊपर ये आरोप है कि तुम एक बैल को बल्ला माजरा में किसी के यहाँ बेच आए काटने के लिए। जी चलान वाला तो ना हुआ। चलान वाला किसे किसे दे के आए हो? कदीर के लमड़े से जी। कदीर का लौंडे हो? कैसे जानते हो कदीर के लड़के को? बकरे अच्छा ये बैल तुमने खरीदा था किसी से या तुम्हारे तो घर घर का बैल था? घर का बैल था जो तुम चला। बेच क्यों दिया तुमने ये बैल? वो कुछ मरने लग गया तो बड़ा झोटा कटड़ा हो गया था, मैं कहीं सही जा लूंगा, वो कहने लगा मैं चलाने वाला। अच्छा बैल मारन लग गया था और कटरा तुम्हारा बड़ा हो गया था? हाँ उसके हिसाब से चल मैं चल ले दो आज भाई की तो चलाने वाले थे। अच्छा इस अच्छा तो फिर वहाँ से छोड़ फाड़ ना कर रहा था। हाँ एक पत्रकार मिल गया बोला भाई वो तुम भी थाम दे। हाँ फोन कर दिया पत्रकार ने। फिर मैं बैठा रहा। अच्छा मैं बोला भाई मैं इसके बिन डेरे भाई को भी छोड़ दिया हूँ अब छोड़ दिया मैं फिर छोड़ कर फिर 100 नंबर के लोग आ गए तो फिर वो बिठा था मुझे वहाँ दे गए। अच्छा बल्ले मजरा बोले भाई और कौन था? मैं गए जो था कड़े नाम गलम नाम कड़ा कड़ा पहन थे उसको तो मैं घर जाऊँगी तब मुझे जानते हैं मैं जो काम करता भाई जो जाने किसी अच्छा चलो ठीक। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।